देखिए आज हम दिखाएंगे सीट नंबर 45 में ग्रेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रेड कैसे निकालते हैं इसके लिए थोड़ा कर लेंगे इसे जूम। ठीक है, जूम करके एक बार यहाँ इसका लिखेंगे नंबर। नंबर लिखने के लिए जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा रेंड बिटवीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम रेंड, ठीक है ना, आर एंड डी रेंड बिटवीन। ठीक है, इसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट और लिखेंगे नंबर। नंबर कितने हैं, कितने के बीच चाहिए, हमें चाहिए लगभग, चलो कोई फैल भी चाहिए इसमें, मान के चलो हम डाल लेंगे 115 से 500 यानी कि 495। ठीक है, 115.495। ठीक है, तो ये हमारे नंबर हो गए। इसे करेंगे हम नीचे तक ड्रैग, यहाँ से पकड़ा और नीचे तक कर लेंगे हम, यहाँ तक हमारे नंबर है तो हमने डाल लिए इसमें। देखो किसी के कम भी है और किसी के ज़्यादा भी। ठीक है, तो अभी करेंगे हम इसे फिक्स, क्योंकि ये देखो अभी ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इन्हें करेंगे फिक्स। फिक्स करने के लिए क्या है हमारा, इसे करेंगे कंट्रोल सी। ठीक है, और यहीं से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इसका कर जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, और ये है वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यू पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे जहाँ है वहीं का वहीं। तो इसके बाद ये हो गए फिक्स हमारे, अब ये चेंज नहीं होंगे F9 से भी। ठीक है, ये होने के बाद अब डालेंगे हम आप सारों में कितने नंबर हैं, 500 नंबर में से हम ये नए नंबर दिए। ठीक है, तो अब इसे भी हम नीचे तक कर लेंगे 500 को ड्रैग। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे 500 नंबर के लिए। इस प्रकार से जब 500 हो गए, अब लगाएंगे हम यहाँ ग्रेड का फॉर्मूला। ठीक है, ग्रेड का फॉर्मूला कौन सा लगाएं हम, ग्रेड का फॉर्मूला भी जो है हमारा, देखिए हम जांच का साइड में लेके आते हैं एक बार। यहाँ हम लगाएंगे जैसे कि हमें निकालना ग्रेड, ग्रेड निकालने के लिए जांच का एक तो यहाँ भी लिख लेंगे हम फॉर्मूला वही ऊपर ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड लिख लिया। ग्रेड लिखने के बाद एक यहाँ भी ग्रेड देनी है, और हमें दो प्रकार से हम ग्रेड देके दिखाएंगे आपको। एक लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा करेंगे हम, जो हमारा होता है एडवांस वाला ग्रेड वो लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ग्रेड ग्रेड का एक ऐसे भी उतार लेते हैं हम ग्रेड को। ठीक है, तो ये भी ग्रेड हो गया। इसके बाद यहाँ इसका क्या लिखेंगे, मार्क्स कितने नंबर है, मान के चलो कोई भी ग्रेड लिखनी लेनी है हमें। ग्रेड के बाद नंबर, नंबर यहाँ नहीं, सबसे पीछे ग्रेड आएगा, पहले यहाँ डाल लेते हैं कोई नाम। ठीक है ना, ठीक है, ये भी हमारी एक सीट होगी। एक सीट यहाँ पे नाम हो गया, नाम के बाद लिखेंगे मार्क ये कितने नंबर है। ठीक है, मार्क्स हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ इसका कोई भी कितने, इसका टोटल नंबर कितने थे। ठीक है, टोटल के बाद लिखेंगे हम यहाँ ग्रेड, ग्रेड कितनी ग्रेड थी। ठीक है, तो कितनी क्या ग्रेड थी इसकी वो लिख लिया। इसके बाद करेंगे हम आएंगे अपने उसके ऊपर ही, पहले लिखेंगे हम जैसे कि आपने देखा होगा पहले हमारा फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला भी था, कौन सा था, इफ़। जैसे कि आपने पहले भी देख लगा के देखा होगा उसमें फेल पास के ऊपर याद वो लगाते हैं। ठीक है ना, उसके इफ़ IF। ठीक है ना, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लेंगे हम वैल्यू। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ और लिख लेते हैं इसका, जैसे कि आपको ग्रेड देनी किसके आधार पे है। जैसे कि मान के चलो ए ग्रेड किसकी देनी, बी ग्रेड किसकी देनी, यहाँ लिख लेते हैं हम। इसके लिए हम कर लेंगे पहले ही आगे जी सीट इसमें कट कर लेंगे, यहाँ करके कंट्रोल माइनस करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे ग्रेड लिखेंगे हम, ए ग्रेड किसकी होनी चाहिए, बी ग्रेड किसकी होनी चाहिए, सी ग्रेड किसकी और डी ग्रेड किसकी, और या फिर फेल, फेल तो नहीं छोड़ो, फेल नहीं करते। ठीक है ना, डी ग्रेड ऐसे ही डांट बांट लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ इसका, किससे ऊपर वाली ए ग्रेड होनी चाहिए, ए ग्रेड होनी चाहिए हमारी 450 से ऊपर जितने भी है, या फिर 450 ही कर लेंगे। ठीक है, 450 पे ए ग्रेड होगी, और ये 300 पे हमारी, 325 पे होगी हमारी, हम कर लेंगे यहाँ 325 पे बी ग्रेड, और ये कितने पे है हमारी, ये कर लेंगे हम 250 पे सी ग्रेड, और जी इससे नीचे वाला डी ग्रेड। ठीक है, 250 से नीचे वाले, यानी कि जैसे कि कितनी यहाँ कर लेंगे हम, यहाँ कर लेंगे हम 150 कर लेंगे वहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ इसका लगाएंगे फॉर्मूले अपना, सबसे पहले तो ग्रेड वहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, इफ़ इक्वल IF और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लेंगे हम टोटल नंबर। ठीक है ना, इसके तो राम कुमार शर्मा जैसे कि हमने पहले भी बनाई थी सीट, वही नाम ले लिए हमने सारे,
ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे हम कोमा, कोमा करने के बाद लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा करने के बाद यहाँ इसका लिखेंगे हम, नहीं सॉरी, यहाँ इसका पहले वो बाद की बात है, ठीक है। यहाँ से लगाएंगे ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन लगाया। ग्रेटर देन करने के बाद इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद ए ग्रेड किस पे हमारी, देखो जैसे कि यहाँ दिखाया था हमने, अभी ए ग्रेड किसको देनी है हमें, 450 वाले को ए ग्रेड देनी है, या तो यहाँ लिख लो या फिर ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चलो हम यहाँ लिख ही लेते हैं, 450 हो गया हमारा। 450 वाले को क्या करेंगे, ए ग्रेड कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या देना, ए। तो यहाँ इसका ए ग्रेड दे दिया हमने, ये होगी ए ग्रेड। इसके बाद करेंगे कोमा, कोमा करने के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे ब्रेक स्टार्ट, इफ करा, इफ करने के बाद फिर वही वैल्यू लेंगे हम ये, ठीक है। वैल्यू लेने के बाद करेंगे हम फिर इन्वर्टेड कोमा इक्वल, अब की बार किससे कम का है, बी ग्रेड, बी ग्रेड है हमारी यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 325 वालों का बी ग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 325 कोमा, इसके बाद करेंगे इन्वर्टेड कोमा और करेंगे बी और इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। इसके बाद फिर से करेंगे इन्वर्ट कोमा करके, कोमा ले आएंगे, कोमा करके फिर करेंगे इफ आई एफ, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद दोबारा फिर यही वैल्यू लेंगे हम। वैल्यू लेने के बाद जैसे कि आप फॉर्मूला बार में भी देख रहे होंगे, तो यहाँ से वैल्यू लिया हमने, वैल्यू लेने के बाद फिर वही ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे कितना करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम 250, ठीक है। यहाँ से करेंगे कॉमा, कॉमा करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड के बाद क्या करेंगे दोबारा, देखो इसमें पॉइंट आ गया यहाँ से, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल करने के बाद किस पे थी हमारा, बी और सी पे आ गए, ठीक है। अब की बार करेंगे हम 250 पे क्या देंगे हम, सी ग्रेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ करेंगे सी, सी के बाद इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा करके, ठीक है, डी ग्रेड हम ऐसे ही डाल देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि जो लास्ट का होता है वहाँ का इफ लगाना है, एक इफ ऐसे ही लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। यानी कि हमने एक दो तीन फॉर्मूला लगाया इसमें इसके, इसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद, एक दो तीन, तीन बार ब्रैकेट बंद करा और करेंगे एंटर, ठीक है। तो देखो इसने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, दिखाई गई अभी, ठीक है। देखो यहाँ से काम ने क्या नहीं दिया, किससे कम वैल्यू है, एक दो तीन, हाँ यहाँ से कहीं हमने गलती कर दिया, ठीक है ना। क्या है इसमें, इसे करेंगे कट, ठीक है। अब करेंगे हम एंटर, तो ठीक है, इसकी क्या है, डेढ़ डी ग्रेड, ठीक है। ये कितने से ऊपर है, 150 के लगभग है, ठीक है। तो यानी कि 150-250 से कम वाला जितने भी नंबर है उनकी डी ग्रेड आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लगा सकते हैं डी ग्रेड, ठीक है। एक बार और लगा के दिखा देते हैं हम सिर्फ एक बार, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो ना हो, इसलिए सिर्फ एक बार, वो भी थोड़ा जल्दी इसमें, ठीक है ना। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लेंगे वैल्यू, वैल्यू लेने के बाद करेंगे कोमा, कोमा करने के बाद लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ कॉमन ही करेंगे, ग्रेटर देन और करेंगे इक्वल। इक्वल क्यों करते हैं, इक्वल करने से ये होता है कि यदि 250 भी है तो वो भी बी ग्रेड में आ जाए, सॉरी सी ग्रेड में आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसीलिए वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम कितने से नीचे, ए ग्रेड ये है हमारी, यहाँ कर लेंगे हम 450, 450 करेंगे कॉमा, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड करने के बाद ए ग्रेड ए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा कॉमा करके लगाएंगे इफ, इफ करके फिर वही सेम प्रोसेस, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लेंगे हम ये वैल्यू B6, इसके बाद फिर ग्रेटर देन इक्वल कितने पे है आपकी बार, 325 पे है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी ग्रेड अभी हमारी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, इसके बाद कॉमा करके इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इस बार फिर, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, लेंगे यहाँ से फिर दोबारा से वही वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ले ली हमने, वैल्यू लेने के बाद करेंगे कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन करने के बाद इक्वल, इक्वल करके लेंगे हम 250, 250 के बाद फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और सी ग्रेड है तो हमने ये डाल दी, इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा और बाद में डी डाल देते हैं। डी डालने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा और जितनी बार ब्रैकेट थे उतनी बार ब्रैकेट बंद कर देते हैं। जैसे कि इसमें देखो इफ कितनी बार आया, इफ आया तीन बार, तो तीन बार ब्रैकेट बंद करेंगे, एक दो तीन, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे एंटर, सी ग्रेड आई इसकी, ठीक है। इस प्रकार से हम, क्योंकि 200 बी ग्रेड क्या दिखाया इसने, जिसके ए ग्रेड से 300 इस ग्रेड से ऊपर है, ठीक है ना, 225 या 325 और 450 के बीच में, उसी प्रकार से इसमें भी है तीन, क्योंकि देखो ये नंबर जो है किससे कम है, 325 से कम है, तो इस प्रकार से हम निकाल देंगे। इसके बाद करेंगे हम इसे नीचे तक ट्रैक, ये हो गया, सबकी ग्रेड निकल के आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से हमने दिखाया था वी लुकअप, एडवांस तरीके से हम इसमें दिखाएंगे एक बार वी लुकअप भी लगा के, ठीक है। वी लुकअप कैसे लगता है, एक वैल्यू में हम लगा के दिखाते हैं, इक्वल
वी लुकअप हो गया, ठीक है। वी लुकअप करने के बाद लेंगे हम यहाँ का, अरे नाम में लगा दिया हमने यहाँ, नाम में गलत है, नाम में नहीं देना, यहाँ से देंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएगा, वी लुकअप, वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, इसके बाद लेंगे हम ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ क्योंकि नाम है, नाम कोई भी डाल देंगे उसी नाम से लेगा, ठीक है। ये डालने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे कोमा, कोमा करने के बाद लेंगे हम नाम की सारी, ये सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी हमारे नाम हैं, ठीक है। नाम सेलेक्ट कर लिए, नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर से करेंगे कोमा, ठीक है। कोमा करने के बाद हम करेंगे अब, तो ठीक है, हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लेंगे हम सारी रेंज, ठीक है। ये कॉलम सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि हमने इसमें नाम डाल दिया कोई भी, जैसे कि इसमें नाम था, ठीक है ना, ये नाम डाल दिया हमने। इसके बाद करेंगे इसे सारे को सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद करेंगे कोमा, कोमा करने के बाद करेंगे कोमा पॉइंट, ठीक है। दो, दो क्यों, क्या, क्योंकि हमने नंबर चाहिए एक और एक दो, दूसरे नंबर की कॉलम है इसलिए हमने दो लिखा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, जीरो, ठीक है, और करेंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर, ठीक है। तो क्या आया, 196, 169, ठीक है। तो ये इसका टोटल नंबर आ गया, किसका, ये बादल के, बादल का ये रहा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका टोटल नंबर भी, वो इसके क्या निकालना था, हमें मार्क्स निकालना था यहाँ, तो कोई बात नहीं, ये गलती से हो गया तो हो गया। टोटल नंबर यहाँ से निकाल देंगे हम इसके, ठीक है, टोटल नंबर निकाल देंगे इधर, यहाँ से निकाल देंगे इसके, ये 500 में से टोटल नंबर, ठीक है। इक्वल करेंगे, इक्वल करके वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप हो गया, वी लुकअप करने के बाद लेंगे ये वैल्यू, वैल्यू लेने के बाद करेंगे कोमा, कोमा करने के बाद लेंगे हम सारी सेलेक्ट करके वैल्यू, ठीक है। ऐसे करेंगे हम यहाँ तक सेलेक्ट, सेलेक्ट गलती फिर हो गई, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद करेंगे, जैसे कि आप फॉर्मूला बार में दिख रहा होगा, फिर लगाएंगे कोमा, कोमा करके कितने नंबर की देखनी है आपकी बार, तीसरे नंबर की देखनी है, और कोमा, कोमा करके जीरो करेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो इसके 500 नंबर टोटल आए, ठीक है। इसके 500 में से दिया, इस बार करेंगे इसकी ग्रेड, ग्रेड निकालने के लिए करेंगे हम इक्वल, इक्वल करके वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप हो गया, वी लुकअप लगाने के बाद लगाएंगे हम, जाएंगे साइड में लेके, वहीं यहाँ से यहाँ तक का टोटल नंबर कितना था ये, ठीक है। ये लगाने के बाद करेंगे कोमा, कोमा करके कितने नंबर पे, एक दो तीन चौथे नंबर पे ग्रेड है, तो इसके बाद करेंगे चार और कोमा, कोमा करके जीरो लगाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ठीक है, और करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो क्या आया, एनए क्यों आया इसमें, एक मिनट, अपने हमने भी वैल्यू नहीं दी। इसे करेंगे एक बार कंट्रोल जेड, दोबारा करेंगे एक बार इक्वल वी लुकअप, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करा, इसके बाद हमने उसमें ये वैल्यू नहीं दी थी, करेंगे कोमा, कोमा करने के बाद करेंगे इसे साइड में थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक हमारी जितनी वैल्यू है ये वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू होगी हमारी यहाँ तक, इसके बाद करेंगे कोमा, कोमा करने के बाद चार, चार के बाद फिर कोमा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। तो इसकी डिग्रेड आई, इसके बाद दोबारा फिर देखते हैं हम इसको, जैसे कि इसे कर लेंगे हम फिर से एक बार साइड में, थोड़ा सा इसमें करेंगे हम यह वाली कॉलम कर लेंगे मिनिमाइज, ठीक है। इसे भी हम करेंगे इक्वल ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद यहाँ कोई भी नाम चेंज करेंगे वो आता रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें डाल लेते हैं ये नाम, ठीक है, तो इसके नंबर आगे डिग्रेड है। इसी प्रकार से किसी के भी नाम डाल सकते हैं हम इसमें, फिर इक्वल करेंगे, कोई भी नाम डाल लेते हैं, जैसे कि अब की बार ये नाम डाल लेते हैं, तो इस प्रकार से दिखाता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं वी लुकअप से ग्रेड निकालना और वैसे भी, ठीक है, वी लुकअप लगा के कोई भी चीज़ एक छांटना, ठीक है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं।